कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं करेले की भुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसमें लगने वाले हैं 3 से 4 करेले। मैंने इस तरह के लिए हैं, उसको धुल करके, छोटी वाली करेली ली है मैंने, उसको धुल करके पूछ के आप गोल राउंड साइज में कट कर ले इसके लिए। और मैंने 1 से 2 मिर्ची को कट कर लिए हैं। इसमें बड़े साइज का आप ले तो 2 प्याज ले, और या छोटे साइज का 4 प्याज से वो कट कर ले स्लाइस के रूप में। इधर मैंने पैन गरम कर लिए हैं, इसमें आप 1 से 2 चम्मच के लिए, क्योंकि करेले के भुजिया में सरसों तेल की थोड़ा सा अधिक ही होना चाहिए, 1 से 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाले हैं। अब इस तरह डालें, इसको गर्म करें, उसके बाद में तब तक मैं और जो करेले आपको दिखाई थी छोटी वाली, उसे मैं कट कर लेती हूँ राउंड शेप में। आप भी कट कर लें, आप देख सकते हैं यहाँ तेल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें आप क्या कहते हैं कि मिर्ची को डाल करके मैंने भून लिए हैं, देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसमें करेले डाल करके भूने, करेले हल्के से भून जाए तब मैं इसमें ऑनियन डालूँगी। ये देखिए इस तरह से आप डालेंगे, इस तरह से ऐसे भूनते हैं इसको, कलर हल्का हल्का चेंज होगा। ऐसे में इसमें आप ऑनियन डाले, स्लाइस किया हुआ ऑनियन है उसे डाल करके दोनों को भूने, गुलाबी होने तक इसको अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, इसी तरह लगभग 2 मिनट का लगे ये लगा है। पूरी प्रोसेस आपको बनाने में जैसे 3 मिनट के लगभग लग ही जाएंगे। अब प्याज मैंने इसमें आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं, टर्मेरिक पाउडर, और आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें नमक, और ऐसे आप इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसे ढक दें, ढक करके इसे पकाएं। अभी इसे इसी तरह से ढकें, इस तरह से इससे बड़े वाले साइज को यूज करूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भुजिया बन चुका है। इसमें मैंने आधे चम्मच के लगभग टर्मेरिक पाउडर और आधी चम्मच के लगभग मैंने नमक का यूज किया है। तो आप लोग इसी तरह से बनाए, प्याज की अधिक मात्रा होने के कारण। ये देखिए अब करेले की भुजिया तैयार है आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ इसे टेस्ट करें और बताएं ये कैसा बना है, और आप लोग के तरफ किस तरह का बनता है वो भी मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ सके तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।